अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की चिकन दम बिरयानी, जिसको हैदराबादी बिरयानी भी बोलते हैं। आज मैं आपको चिकन में बनाना सिखाऊंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन है इसको क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी रेसिपी अपलोड करें वो आप तक आए। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैंने ये 1 kg चिकन लिया है, 1 किलो चिकन। उसके अंदर मैं डालूँगी लेमन जूस 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बटर यानी मक्खन, आप इसमें ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं डालूंगी सॉल्ट यानी नमक 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक और मिर्चें 1-1 टेबल स्पून लिए, और हल्दी जो है मैंने 1/2 टीस्पून यानी आधी चम्मच लिए। उसके बाद ये देखिए मेरे पास है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, यह कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड पाउडर यानी ये है जीरे का पाउडर, और कुटा हुआ दोनों मिक्स है, तो ये 1 टी स्पून मैंने यूज़ किया तीनों को। उसके बाद है मेरे पास लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबल स्पून, उसके बाद है मेरे पास योगर्ट यानी दही, ये मैंने 1 कप लिया। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे कोरिएंडर यानी धनिया, और यहाँ पे मिंट लीव्स हैं यानी पुदीने के पत्ते, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए, 2 टेबल स्पून दोनों का। और इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे ऑनियन यानी प्याज, इसको मैंने फ्राई कर लिया था, ये है मेरे पास। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक मैंने इसमें इसलिए 1 टेबल स्पून यूज़ किया, क्योंकि बाद में जब हम राइस बॉईल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी हम और सॉल्ट ऐड करेंगे, तो इसलिए आप नमक जब भी डालें तो ज़रा एहतियात से डालें। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा तीखा पसंद है तो मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से और डाल सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब मैं इसको ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए रखूंगी। अब मैं राइस बॉईल करूंगी। ये देखिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल, आप घी भी यूज कर सकते हैं, 2 बे लीव्स यानी तेज पत्ता, 1 सिनेमन स्टिक, दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची ब्लैक कार्डिमन, उसके बाद 4 छोटी इलायची ग्रीन कार्डिमन, ये है 1 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा, यहाँ पे 8 क्लोव्स हैं, 8 लौंग और 15 यहाँ पे हैं काली मिर्चें साबुत ब्लैक होल, और इस पानी में इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये देखिए एक मेरे पास सब्ज मिर्च है, ज़्यादा बड़ी थी, आपके पास अगर छोटी हैं तो 3 इस्तेमाल कर लें, तो मेरे पास ये ज़्यादा बड़ी थी इसलिए इसके अंदर डाल के इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए पानी बॉईल होना शुरू हो गया, अब इसके अंदर जो चावल थे वो हम डालेंगे। मैंने 1.5 कप लिए, उनको पहले मैंने वॉश किया अच्छे से, वॉश करने के बाद फिर मैंने उसको पानी में सोक कर दिया। अब मैं इसको बॉईल करूंगी, तकरीबन मैं इसको 99% इनको पका लूंगी। ये देखिए राइस बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए अब मैं इनको स्ट्रेन कर लेती हूँ, स्ट्रेन करने के बाद फिर हम चिकन को रेडी करते हैं। ये देखिए चिकन मैं हंडिया में डालूंगी, उसको ढक्कन लगा के रख दें ताकि दही का पानी निकल आए और चिकन में से भी जो पानी है वो भी निकल आए। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो मसाला लगा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ ताकि इसका जो पानी है वो निकल आए। ये देखें चिकन का पानी ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला है, तो इसके अंदर मैं ये डालूंगी ऑयल, जिसमें मैंने
प्याज फ्राई की थी वो डाल के इसको हाई फ्लेम पे रख के अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। ये देखिए चिकन की मैंने बनाई कर दी है और इसमें थोड़ी सी ऐसी गाढ़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, इसका बिल्कुल ड्राई नहीं आपने मसाला करना। इसके बाद मैंने दम पे रखूंगी अब इसको, देखिए पहले मैंने रिंग रखा है, आप अपने चूल्हे के मुताबिक रखिएगा। उसके बाद मैंने तवा रखा है, फिर ऊपर ये चिकन के ऊपर मैं डालूंगी ये बॉयल किए हुए राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये फैला देंगे। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा पुदीना देखें 2 टेबलस्पून, और जो मैंने प्याज फ्राई की हुई थी वो इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर स्लाइस सब्ज मिर्चे रखूंगी, आपकी मर्जी है ज्यादा तीखा खाते हैं ज्यादा ले लें। और फिर उसके बाद है ये मेरे पास कुकिंग ऑयल, ये मैं डाल दूंगी। और उसके बाद मेरे पास है येलो फूड कलर, ये देखिए ये मैं इसके अंदर डालूंगी ऊपर ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे फॉर 15 मिनट्स। ये देखिए 15 मिनट्स हो गए, अब मैं इसका दम ओपन करती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े की बिरयानी रेडी है। ये देखिए मैं प्लेट में निकालती हूँ, फिर मैं आपके सामने आपको दिखाती हूँ। ये लें आपके लिए बहुत ही मज़े की दम बिरयानी रेडी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ओके जी, इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन इसको क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी रेसिपी अपलोड करें वो आप तक आए। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।